तो गाइस पिछले 24 घंटों में आखिर डब्ल्यूएमओ में क्या हुआ, आइए देखते हैं इस वीडियो में। रॉमरिज विजिट करते हैं चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, जहां जाने के बाद वो बच्चे के साथ काफी एंजॉय करते हैं और उनको यहां पर रिकवरी होने में भी मदद करते हैं। और यहां पर काफी ऐसे बच्चे भी थे जो यहां पर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जैसे कि कैंसर और डिसेबल्ड बीमारी से। और यहां पर रॉमरिज जाने के बाद यहां पर डोनेशन भी करते हैं पैसों का। नेक्स्ट, ये काफी गुड न्यूज है सारे फैंस के लिए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हैं। यहां पर कोडी रोड ने ये कंफर्म कर दिया है कि हिस्ट्री में पहली बार भी यहां पर नेटफ्लिक्स पर यहां पर रॉ लाइव होने वाला है, वो भी होगा यहां पर 6 जनवरी से। डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये बास इवेंट होने के बाद जो अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वो होगा यहां पर बैड ब्लड लाइन। और गाइस ये होगा अगले महीने में आने वाले, जो कि होगा 5 अक्टूबर को। वैसे गाइस नेटफ्लिक्स को लाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में यहां पर सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो इनका रोल था, ये था विंस मैकमैन का। और गाइस विंस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफ़ी कुछ किया है, हालांकि वो इसमें चेयरमैन है, फिर भी उसके साथ साथ वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं पीछे से भी। उसके बाद नेक्स्ट, बैस इन द बर्लिन में मैच होने के बाद जेड कारगिल से पूछा गया कि AEW के बारे में। यहां पर जेड कारगिल ने साफ ये मना कर दिया कि वो यहां पर काफ़ी थक चुके हैं उनका जवाब देते हुए AEW के बारे में। तो गाइस इस बार का जो मैच हुआ बैस इन द बर्लिन में, उसमें काफ़ी ऑडियंस आए हुए थे, जिसमें ये इस बार का हाइएस्ट ग्रॉसिंग एरिया था एराना का। तो गाइस क्या आपको पता है, बैस इन बर्लिन होने से पहले ही ट्रिपल एच उसको छोड़ के चले गए थे। इसके पीछे उनका कहना है कि उनको अगला मीटिंग देखना था, जो कि अगले प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए होना था। वैसे गाइस इस समय गुंथर को लेकर काफी यहां पर इनके इन बारे में कमेंट हो रहा है कि ये इस समय के सबसे फ्यूचरिस्टिक बैरियर फ्री थिंकर होने वाले हैं रेसलर। और आज यहां पर मैच जीतने के बाद यहां पर सीएम पंक ने ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया कि ड्रू मैकइंटायर के बाद जो अगला उनका निशाना होने वाले वो होंगे यहां पर गुंथर। उसके बाद गाइस नेक्स्ट, रिया रिपली और डेमियन प्रेस ने काफी पूरी तरीके से हराया यहां पर ली मॉर्गन और यहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो को। उसके बाद गाइस नेक्स्ट, ये सीएम पंक का पहला मैच था 10 सालों के बाद, उन्होंने पहला मैच जीता अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो भी बैस इन बर्लिन में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट, जेड कारगिल और बियंका ब्लेयर विंस डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप मैच। उसके बाद गाइस नेक्स्ट, ये जॉन सीना का न्यू टी शर्ट होने वाला है, जहां जॉन सीना इसको अपना फेयरवेल मैच में पहनने वाले हैं, जो उनका लास्ट मैच होगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट, आज के बैस इन बर्लिन में 8,000 लोग एक साथ यहां पर एंट्रेंस का एंजॉय ले रहे थे, जब रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो रहा था, एंट्रेंस हो रहा था उनका। तो इससे साफ